राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही मौसम में बदलाव हुआ। आप सभी को बता दें कि घना कोहरा राजस्थान के अंदर छाया रहा। सूरज निकलने से पहले राजस्थान के कई प्रदेशों के अंदर हल्की हल्की ओस की बूंदें भी नजर आई। इसी के साथ में कुछ एक जिले ऐसे रहे जहां पर हल्की वर्षा भी हुई और मौसम विभाग ने बारिश होने की चेतावनी 8 और 9 यानी कि 8 जनवरी और 9 जनवरी को जारी की गई और इन दिनों बारिश का अलर्ट भी है। आज लगभग 15 जिलों के अंदर ये बारिश होती हुई नजर आ सकती है। कौन कौन से ये जिले होंगे, आने वाले एक सप्ताह यानी जनवरी के दूसरे सप्ताह तक मौसम की क्या कुछ स्थिति रहेगी, इन सभी की तमाम जानकारी दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट में। राजस्थान में माउंट आबू का पारा माइनस में पहुंच चुका है। अगर बात करें मौसम की तो राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिखाई दे रहा है। देर रात चूरू, झुंझुनू, अलवर और सीकर में हल्की बारिश हुई। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के सभी जिलों में आज सुबह घना कोहरा भी देखने को मिला। हिल स्टेशन माउंट आबू की बात करें तो न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस हुआ तो यहाँ सुबह घना कोहरा रहा और बूंदाबांदी भी हुई। आज सुबह कोटा और झालावाड़ में हल्के बादल छाए। मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश में आज और कल बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आज 15 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिले घने कोहरे की चपेट में रहे तो वहीं बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अलवर में घना कोहरा रहने से कारण कल की दिन के अंदर तापमान में नीचे दर्ज किया गया। वहीं श्रीगंगानगर में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा और यहां अधिकतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।